हमें झड़प हुई तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि इस तैयारे पर काम पहले शुरू हुआ था, G10 पे, थंडर पे बाद में शुरू हुआ, 2005 में शुरू हुआ था इस पे। अच्छा। लेकिन ये ज़्यादा बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है ना, ये राफेल से वैसे ये तो मजमू बेहतर है। तो अगर आप गूगल पे जाएं J10 टाइप करें तो आपको इंडियन वेबसाइट ज़्यादा मिलेंगी जिनको J10 की टेक्नोलॉजी और वगैरह वगैरह। तो अगर आपको वीडियो का मेन हिस्सा देखना है तो आप देख सकते हो ये टाइम लिखा हुआ है, इतना टाइम आप वीडियो स्किप करो और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच जाओ। तो इस वीडियो में पाकिस्तान के ये जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी हाल ही में J10 खरीदा है, J10 फाइटर जेट को ये राफेल से बेहतर बता रहे हैं, और आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने ज़्यादा मतलब इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ये चाइना के द्वारा बेचे गए जो J10 के पहले ग्राहक हैं, ये विमान 2004 में बनाया गया था। मुझे लगता नहीं है कि अगर इतना ये होता मतलब इतना परफेक्ट होता तो इसकी सेलिंग बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती और चाइना भी इसे बहुत लार्ज स्केल में यूज़ करता और अमेरिका क्लेम करता ये बिल्कुल F-16 की तरह दिखता है। अमेरिका क्लेम करता है कि F-16 की कॉपी है। F-16 तो शायद पाकिस्तान के पास पहले से ही मौजूद है, अगर आपको पता हो, इन्हें गिफ्ट में मिले थे टेररिज्म से लड़ने के लिए। दोस्तों ये जो फाइटर जेट है ये इसका मतलब, इसको लेकर शेख रशीद ने बोला है कि हमने राफेल के मतलब काउंटर करने के लिए ये खरीद लिए हैं, ये वो फलाना ठिकाना। वहाँ की जनता को भी, आपको भी पता है कि उनको भी बताना है कि हमारे पास ये है वो है, 25 ये खरीदे हैं, हमारे पास राफेल 36 हैं और हमारे पास एक S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपने अभी सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा है हमने रशिया से, वो भी हमने इंस्टॉल कर दिया है पंजाब में, जो कि पाकिस्तान से आने वाले और चाइना से आने वाले मिसाइल विमान सबको काउंटर करने के लिए ऐसा माना जाता है कि काफ़ी है। अब आपको क्या लगता है इनके वीडियो देखने के बाद, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपको याद होगा 2019 में जब भारत पाकिस्तान का क्लैश हुआ था तो इनका एक ट्वीट वायरल हुआ था, जिसे तारक फतेह ने अपने मतलब जो ट्विटर है उसमें रिट्वीट किया था और उसके ऊपर कॉमेंट भी किया था कि इन्होंने उर्दू में लिखा था कि मैं अकेला 100 काफिरों को मारने के लिए तैयार हूँ, इस तरीके की इन्होंने बातें लिखी थी। तो आप समझ सकते हो इनके अंदर का जो भेजा है उसमें क्या क्या भरा हुआ है, और उस भेजे से यही बातें निकलेंगी जो इस वीडियो में आप आगे देखोगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए, धन्यवाद वीडियो देखने के। हारून साहब, J10 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान के अंदर, इनकी शमूलियत हुई पाकिस्तान फिजाइया के अंदर, इंडियन मीडिया की बुखलाहट की वजह क्या है, क्या मामला है? नहीं, बुखलाहट नहीं है, वो प्रोपेगेंडे का एक दायम बरकरार रहने वाला सिलसिला है। देखिए उन्हें बहुत पहले सुनगुन मिल गई थी। अच्छा। बातचीत तो कई बरस से जारी थी ना, मगर ये कि वो ये बाज टेक्नोलॉजीज होती हैं कि मुल्क किसी को देना नहीं चाहते, दोस्त ममालिक को भी नहीं देना चाहते। ये तो जब उनकी लद्दाख में झड़प हुई तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि इस तैयारे पर काम पहले शुरू हुआ था, J10 पे, थंडर पे बाद में शुरू हुआ, 2005 में शुरू हुआ था इस पे। अच्छा। लेकिन ये ज़्यादा बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है ना, ये राफेल से वैसे ये तो मजमू बेहतर है। तो अगर आप गूगल पे जाएं J10 टाइप करें तो आपको इंडियन वेबसाइट ज़्यादा मिलेंगी जिनको J10 की टेक्नोलॉजी और वगैरह वगैरह पे बहस। और एक बड़ी दिलचस्प बात वो कहते हैं, बेकार तैयार है जी, पैसे हैं नहीं इंडिया के पास, तो चीन से लिए हैं। अगर इनके पास पैसे होते, अगर इनकी इकोनॉमी ठीक होती और अगर इन्हें सूझबूझ होती तो ये जनाब राफेल तैयारे खरीदते, फला खरीदते। राफेल से ये डेफिनेटली बेहतर है। क्या कंपैरिजन जरा करें, मैं बात करता हूँ, बाज चीज़ों में राफेल बेहतर है। वो तो देखिए ना, हर तैयारे की, जैसे हर गाड़ी की अपनी नोयत होती है, कार की अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अच्छा, वो कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। मतलब ये किस चीज़ में बेहतर है, ये रफ्तार इसकी ज़्यादा है, ये ज़्यादा दूर तक जा सकता है, 3700 किलोमीटर तक जा सकता है। अच्छा, ये इसमें ये 4.5 जनरेशन है, यानी फिफ्थ जनरेशन नहीं है, 4.5 ये फोर्थ जनरेशन है जो थंडर है। फिर ये है कि ये ज्यादा फ्यूल ले जा सकता है, ज्यादा गोला बारूद ले जा सकता है, जो अच्छा। भी बम मिसाइल जो भी चीजें हैं ज्यादा ले जा सकता है। अच्छा, दो राफेल एक लिहाज से बेहतर है कि उसमें 14 पॉइंट्स हैं, यानी जिसमें आप गन लगा सकते हैं, मिसाइल लगा सकते हैं, इसमें 11 टारगेट को हिट करने के लिए 14 हिस्से, टारगेट को हिट करने की सलाहियत इसकी ज्यादा अहम तरीन बात यह है। अच्छा, टारगेट को हिट करने की सलाहियत, ये नहीं, अभी फिफ्थ जनरेशन नहीं है, फिफ्थ जनरेशन वो होती है जो रडार आमतौर पर डिटेक्ट नहीं कर सकता, जो आमतौर पर रडार है वो नहीं डिटेक्ट, वो कुछ स्पेशल रडार हो
तो यानी वो तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ना, कि वो पता नहीं पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल वैसे मौजूद हैं कि जो ट्रेस नहीं, अमरीकियों ने भी कोशिश की थी ट्रेस करने की जब जनरल मुशर्रफ के ज़माने में फौजें आमने सामने आखड़ी हुई थी, तो पता नहीं चल सका था। पाकिस्तान अपना दिफा करने की पूरी सलाहियत रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सलाहियत रखता है। ठीक है हारून साहब, JF-17 थंडर जब पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, तो J-10 को खरीदने का मकसद क्या था? उससे बेहतर है ना, वो हल्का तैयारा है इसके मुकाबले में, उसकी स्पीड इससे कम है। अच्छा, और उसमें असला कम ले जाया जा सकता है। अच्छा, एक बुनियादी फर्क यह है, बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी उसमें नहीं मैं पढ़ना चाहता, मैंने वैसे उस पर स्टडी तो सारा कर लिया था। बात यह है, पायलट मैन बिहाइंड द गन, पायलट में कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तानी पायलट का। इंडियन से तो क्या, इंडियन से तो वो क्या नाम था उसका जो चाय पिला के भेज दिया था, अभिनंदन है, अभिनंदन से बेचारा, ये वो कौम है ना, अभिनंदन को भी अवार्ड दिया है। हाँ, बहादुरी के ऊपर, ये खुद को खुद फरेबी की कोई हद है। इंडियन पायलट से तो हमारा क्या मुकाबला, वो तो रिकॉर्ड की बात है ना, 65 में क्या हुआ था, 71 की तो एक सूरत हाल ही मुख्तलिफ थी। इजरायली पायलट सेकंड बेस्ट समझे जाते हैं या कुछ और, उससे सिर्फ 10-20% बेहतर नहीं। आपको पता है कि सीरिया जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी पायलटों को भेजा था जब सीरिया पे हमला किया इजराइल ने, और वो इजरायली भूल नहीं सके उस बात को, MM आलम साहब गए थे जी, और किसको, भुट्टो ने अपने सियासी मुखालिफ जनरल सरफराज को भेजा था, व्हाट फॉर, उसको सफीर बना जनरल सरफराज और लाहौर की सरहद पे, मैंने उनका जो मैंने चंद पहले इंटरव्यू किया उसमें एक जनरल सरफराज का था, तो एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा उन्होंने कहा था, लाहौर के खूबसूरत चेहरे पर एक खराश भी मैंने आने नहीं दी। तो लाहौर का बड़ा अच्छा दिफा किया था, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट थी, तो उन्हें किस लिए भेजा गया था वहाँ, सीरिया किस लिए भेजा गया था? दरअसल तो वो फौजी मुशीर थे ना, मशवरे उन्हें देते थे, और बहुत से मुल्क हैं, मिस्री कहते थे 74 में, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी इसराइल के खिलाफ, लेकिन वो ब्रिगेडियर सुल्तान साहब एक दफ़ा ले जा उन्हें ले गए थे, तो बड़ी मेहनत समाज तो उन्होंने की कि इनको छोड़ दें यहाँ, इनको भेज दें, तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा आदमी नहीं है जो किसी की फरमाइश पूरी करे, ये हमारी नहीं सुनता तो आपकी क्या सुनेगा। ठीक है, सवाल एक और है अरुण साहब, वो थोड़ा सा पॉलिटिकली हो जाएगा। 23 मार्च को शेख साहब ने कहा है कि शानदार मुजाहरा किया जाएगा, दुनिया के सामने पाकिस्तान के सामने लाया जाएगा, 25 सर जी, जो पूरा एक स्क्वाड्रन फ्लाई करेगा, मगर 23 मार्च को तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बाहर निकल रहे हैं, निकलना है ना, वो भी देख ले उसको, वो सियासत अपनी जगह होती रहती है। 23 मार्च को तो परेड होगी, वो भी इस्लामाबाद ही आएंगे, और आपको पता है उसका नाम क्या रखा गया है, वो जो स्क्वाड्रन है उसका एक नाम रखा गया है, बताइए, इधर शोला फिशां, अच्छा, आग उगलने वाला अजदहा, नाम बड़े अच्छे रखते हैं, जबरदस्त नाम तो बड़ा है, देख ना जरबे आजम और ये जो भी नाम रखते हैं, नाम बड़े अच्छे रखते हैं। चलिए, ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के दिफा में एक और जबरदस्त इजाफा हुआ है। हारून साहब, मगर एक और भी दुश्मन है जिससे हमें मुकाबला करना है, और वो है कोविड के हवाले से, ये तो हम